यजीद को अलग अलग क्यों करते हो, रोते हुसैन को हो, करते यजीद वाले काम हो, ये कौन सी शरीयत है? जशन नबी का मनाते हो और सबसे बड़का दुश्मन भी उसी के बनते हो। मेरे नबी ने तो पेट पे पत्थर बांधे भूख की वजह से, एक रात आप तड़प रहे थे बिस्तर पर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, आखिर थोड़ा सा आगे बढ़े और चारपाई की लकड़ी जिस पर बांध बुना होता है उसके ऊपर अपने पेट को टिकाया और यूं नीचे झुक गए, नीचे झुक गए। हज़रत आयशा के घर की बारी थी, उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप कुर्बान आपको क्या हुआ? आपने आयश भूख बड़ी लगी, भूख बड़ी लगी, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी हो, ओत पहाड़ जिससे पूछ रहा हो या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे मैं सोना चांदी बनने को तैयार हूं। बेटी फातिमा बीमार थी, उनको पूछने गए तो वो बीमारी से बेहाल थी तो बाप के सीने से लग के रोने लगी कि या रसूल अल्लाह पहले भूख थी रोटी नहीं थी, अब बीमारी है दवा कोई नहीं, तो पत्थर खा के ताइफ के ना रोने वाला और ओहद में दांत तोड़वा के ना रोने वाला, बेटी के आंसुओं ने देखो किसी ने बाप देखना हो तो अब देखो, ये बाप ऐसे होते। बेटी के आंसुओं ने रुला दिया और उनको यूं गले से लगाया और कहा बेटी ना रो, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज तीसरा दिन है मैंने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया और तुम कहते हो शराब ना बेचिए तो वध पैसे की थुबना हुई है, और जिसके लिए कायनात बनी वो कह रहे हैं बेटी आज तीसरा दिन है मैंने रोटी का एक लुकमा।